हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस के बारे में देखा था कि किस तरह से फॉरवर्ड बायस यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट करने से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट करने से डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ होता है वो नेग्लिजिबल यानी कि खत्म हो जाता है और करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसने इस उसमें हम लोग समझे थे कि फॉरवर्ड बायस में किस तरह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब हम लोग रिवर्स बायस के बारे में देखेंगे। रिवर्स बायस मैंने बताया था कि उस बायसिंग को बोलते हैं जिसमें कि एक्सटर्नली जो वोल्टेज सप्लायर होता है उसका अगर नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट हो और पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस, यानी कि जस्ट अपोजिट कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिवर्स बायस में फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, करंट फ्लो करता था, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता था कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो था वो नैरो होते होते एक समय ऐसा आता था कि वो हट जाता था, डिप्लेशन लेयर का विड्थ पूरा खत्म हो जाता था, यानी कि वो दीवार जो बीच में बना हुआ था वो खत्म हो जाता था, टूट जाता था। ठीक है, इसमें जो क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो होगा और वाइड होता जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, जिसके कारण कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज़ कैसे होता है। ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ जान चुका है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो टर्मिनल है उसको नेगेटिव देंगे, ठीक है, और इसको जो है उसको हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे। ठीक है, इसको जो है हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग का क्या है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से कनेक्ट है और एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी कि जस्ट अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। ठीक है, और रिवर्स बायस में मैंने क्या कहा कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है पहले से और चौड़ा हो जाएगा। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। ठीक है, सेम उसी क्राइटेरिया उसी ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, तो जाहिर सी बात है कि इस एंड में भी यहाँ पे यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज आके कलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आके कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, बस समझ में। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आके जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के कारण पॉजिटिव चार्ज आके स्टोर हो रहा है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि अंदर में पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास होल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज कैरियर है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। हम लोगों को पता है जनरल नॉलेज कि लाइक चार्ज रिपेल टू इच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया स्टोर हुआ वो क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अंदर हम लोग को पता है सारा क्या है, मेजर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये सारे होल को क्या करेगा, ये अपना तरफ खींचेगा, ये सारा होल इधर आके मतलब इस जगह पे आके स्टोर हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, ये सारा होल इधर जो था यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि सारा होल अभी यहाँ पे आके इस एंड में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ये सारा होल इस जगह पे आके जमा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास यहाँ कुछ भी होल नहीं बचेगा क्योंकि सारा होल मूव करके उस जगह पे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जितना था वो सारा इस एंड में आके कलेक्ट हो गया। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके कलेक्ट हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सारा यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज था इधर का वो सारा यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया, बस समझ में। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहाँ कलेक्ट हुआ था वो सारे नेगेटिव चार्ज को अपने ओर खींच लिया। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ का अभी जो नेगेटिव चार्ज था वो इस एंड में आके कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारा उस जगह पे चला गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो डिप्लेशन लेयर इतना था, अभी इसका डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया इतना। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको
ये रहा, ठीक है। तो ये डिप्लेशन लेयर पहले कुछ विड्थ था, उसका विड्थ और क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज किया मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से अभी क्या है कि इधर का जो चार्ज था वो इधर मूव नहीं कर पाएगा, ये बड़ा दीवार बन गया, ठीक है। इधर का जो चार्ज इधर मूव नहीं करेगा, तो हम लोग को पता है कि चार्ज अगर फ्लो नहीं करेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, इस टाइप के बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है। तो हम लोग अभी इसका बहुत तरह का एप्लीकेशन हम लोग इसका यूज करेंगे कि फॉरवर्ड बायस में किस तरह से करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस में किस तरह से करंट फ्लो नहीं करता है। यानी रिवर्स बायस में सेमीकंडक्टर जो होता है, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, डायोड एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो यही इससे बेनिफिट है कि हम लोग अलग अलग बायसिंग से अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको रिवर्स बायस समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा न्यू वीडियो मिलता रहेगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।